आप देख सकते हो आज आइए खालिद भाई की एसी, और अभी उस एसी को हम गांव लेके जाएंगे। गाइस देखिए, ये सूट मंगवाया था हमने ऑनलाइन से, और ये सूट आपको अच्छा है। देखिए मैंने आपको दिखाती हूँ खोल के, और अभी कुरियर वाला देखे गया है सूट, तो आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, और देखते हैं सूट कौन सा है, कौन सा सूट आया है। देखिए ये है, ये ऑनलाइन से मंगाया है हमने सूट, और ये 610 का, और इसको खोल के दिखाती हूँ मैं आपको गाइस। और लंबाई भी आपको दिखाती हूँ, ये है दुपट्टा, ये शलवार, कपड़ा भी खूब आता है माशाल्लाह, ऑनलाइन का कपड़ा भी देखिए आपको दिखाती हूँ, कपड़ा भी खूब है इसमें। शलवार का भी 2.5 मीटर पूरा कपड़ा तो खूब आता है, खूब है गाइस कपड़ा तो, सूट माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो सूट भी। और ये सना ने मंगवाया है ऑनलाइन से, सना का सूट है, ये मेरा नहीं है, देखो आप और देख सकते हो लंबाई पूरी 2.5 मीटर। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप। और मैं सूट को ना पैक कर देती हूँ, पहले इसी से रख देती हूँ, सना का सूट है, सूट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, कलर भी जो मंगवाया था ना हमने वो ही आया कलर। देती हूँ सना इसको गाइस, मैंने पन्नी रख दी क्योंकि बारिश आ सकती है आज, वैसे लग रहा है मौसम थोड़ा खराब हो रहा है, तो पहले थोड़ा तेज हवा चली थी आंधी सी, और अब मौसम हो गया बारिश का। और देखिए आज बना रहे हैं हम गवार की फली, गवार की फली बना रहे हैं, उसको तोड़ के और बॉईल कर लेती हूँ मैं पहले फटाफट से। फली को धो के ले आती हूँ, फली तोड़ लिया हमने। फली के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने, अभी इनको ना धो के लिया इससे से पानी में, और इसको मैं ना गैस पर चढ़ा देती हूँ और बॉईल कर लूँगी फिर, और नमक डाल दूँगी, नमक डालने से है ना जल्दी से बॉईल हो जाती है फली। आज मैं देख दी हूँ फली और आपको भी दिखा रही हूँ उबली कि नहीं फली, तोड़ के देखती हूँ, वो गर्म है बहुत ज़्यादा, उड़ चुकी है, और थोड़ी और उबाल लूँगी इसको मैं, फिर थोड़ी और उबालने के बाद भी निकालूंगी बाहर। मैं बाहर निकालने जा रही हूँ फलियों को, उबल चुकी है ये, तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन कटा हुआ, ये बारीक लहसुन है कटा हुआ, और लहसुन ज़्यादा अच्छे लगता फली में, इसको मैं सुनहरा गोल्डन कर लूँगी, इसके बाद में प्याज डाल दूँगी इसमें, ये गोल्डन हो चुके हैं लहसुन, और मैं डाल रही हूँ ये प्याज कटे हुए, ये छोटे वाले 2 प्याज है मीडियम साइज के, डाल रही हूँ हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 3 हरी मिर्ची है, हाँ बना के देख लो ठंडी हो चुकी है नहीं, इसमें ना मैं थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया था इसलिए थोड़ी ठंडी हो चुकी है, इसे निचोड़ने में आसानी भी जाएगी मेरे को।
गाइस देखिए लहसुन प्याज और है ना हरी मिर्च ये फ्राई हो चुके हैं और मैं इसमें डाल दूंगी हरी फली गवार की जो मैंने बॉईल करके रख रखी थी उनको निचोड़ लिए मैंने ठंडे पानी में डाल के। अब इसमें कमी है मसाले की तो मसाले डालूंगी मैं। अब इसमें इसको चला लेते हैं अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं मसाले गाइस। ये हल्दी पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर, और ये डाल रही हूँ नमक, अब गाइस मैंने इन मसालों को अच्छे से चला के और भुनाई कर लूंगी। और जैसे मैं बना रही हूँ गाइस ट्राई जरूर करना सब्जी इतनी मस्त बनेगी वो लिए चाट के ले जाओगी। ये देख सकते हो आप सब्जी कितनी अच्छी बनी है और इसको काट देती हूँ मैं नीचे और अब मैं बनाऊंगी रोटी फटाफट से क्योंकि इसके पापा को ना भूख लगी है तेज। तो साफ कर दिए हमने मैंने सब्जी बना ली सना ने आटा गूंथ दिया। गाइस इसके पापा खाना लगा देती हूँ इसके लिए खाने में। गाय देखिए चावल दे रही दूध में और इसको जमा के रख दूंगी सुबह तक भेज देंगे इसका। और दही जमाने के लिए थोड़ा इतना सा चावल डालना चाहिए इसमें दही थोड़ा और इसको अच्छे से चलाना चाहिए तब जाके ना दही जमता है और बहुत अच्छा जमता है बिल्कुल चौकी ही देंगे। गाय मैंने दूध जमा दिया चावल दे दिए इसमें और इसको रख देंगे। और गाइस देखिए सना ने दिन में रूपजा बनाई थी इसे ठंडी होने के लिए फ्रीजर में रख दिया तो इसकी आइसक्रीम जम चुकी है। और मैं ब्लॉग की एंजॉय कर रही हूँ गाइस मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़ बाय।